जैन दोस्तों, जैसे कि मैं आपको आज वन लाइनर क्वेश्चन सौरमंडल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में यहां से वन लाइनर क्वेश्चन से पूछे जाने की 100% संभावना होती है। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों आइए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पर, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना देख सकते हैं। दोस्तों आपका होगा 57%। यहाँ पर टाइपिस्ट से कुछ गलत हो गया है, पृथ्वी होगा यहाँ पे, पृथ्वी लिखा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो आपका 21 जून का होता है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों आपका जो है 21 मार्च और 22 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। आपका जो है 1011 वर्ष। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों को आपका होगा ओलिपस मेसी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई है। दोस्तों अरुण ग्रह की खोज आपका 1781 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों 100 वर्ष पर पृथ्वी एक बार घूमता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्या कारण है। तो दोस्तों पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन आपका अक्ष पर झुकी होने के कारण पृथ्वी पर आपका ऋतु परिवर्तन होता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। तो आपका जो है 24 अगस्त 2006 को प्लूटो अगस्त की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। दोस्तों यहाँ पे टाइपिस्ट से कुछ गलत हुआ है, यहाँ बुध होगा, बौध लिखे हैं। तो आपका 88 दिन लगता है टोटल। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों सबसे दूर आपका वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो दोस्तों बुध और शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। दोस्तों सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर वही लगाएगा जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। तो दोस्तों सूर्य का सबसे कम चक्कर लगाता है, दिन में लगाता है आपका बुध। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो भी आपका आंसर होगा जो बुध होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं। तो दोस्तों आपका जो है पृथ्वी पर आपका जीव रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो मात्र एक चंद्रमा ऐसा है जो पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में कितने दिन में लगाती है। तो दोस्तों यहाँ पे होगा 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी पर 71% आपका जो है जल है, तो इसीलिए आपको पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपग्रह को जीवाश्म का ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों आपका चंद्रमा को जीवाश्म का ग्रह कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, चंद्रमा क्या है। तो दोस्तों चंद्रमा है जो आपका उपग्रह है। तो दोस्तों ये रहे आपका जो है वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपका सौरमंडल से क्वेश्चन है वन लाइनर, आपका हर एक एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो दोस्तों ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।